हर हर महादेव। दिव्य ज्योति चैनल के जो हमारे जो है दर्शक हैं, उन सभी को सपरिवार मंगल कामना के साथ मैं दर्शकों से निवेदन करता हूं कि मेरे दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपके पास तुरंत पहुंच जाए, जिससे आप उसका लाभ ले सकें। आज मैं आप लोगों को, मैं अपने दर्शकों को ग्रहों की प्रकृति वृत्ति स्वभाव व प्रतिनिधित्व के संबंध में आप लोगों को मैं आज भी बतलाऊंगा। पूरी वीडियो को मैंने जो है ध्यान से आप लोग मेरे जो दर्शक हैं उसको सुने देखें, जिससे उसका लाभ मिल सके, और कमेंट भी करें आपको जो है कि किस पर चाहिए। प्रयास करूंगा कि मेरे दर्शक तक वो वीडियो पहुंचे। आज जो है आप लोगों को ग्रहों की प्रकृति वृत्ति स्वभाव व प्रतिनिधित्व के बारे में मैं बतलाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुने। राशियों की तरह जो है नौ ग्रहों की भी अपनी अपनी पृथक वृत्ति स्वभाव प्रकृति होती है। इसका उपयोग जातक के कुंडली निर्माण से लेकर कुंडली का फलादेश देखने में किया जाता है। तो ये जान लीजिए कि नौ ग्रहों की कुंडली में वृत्ति, ग्रहों का जो वृत्ति है, स्वभाव है, प्रकृति है, वह प्रतिनिधित्व है क्या है, प्रत्येक ग्रह का बता रहा हूं। इसके पहले अपने दिव्य ज्योति चैनल के जो हमारे दर्शक हैं, ध्यान से सुने कि नौ ग्रहों का शिलादि क्या है। जैसे नौ ग्रह हमारे हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, राहु और केतु है। तो आप लोगों को सूर्य ग्रह का बतला रहा हूं कि सूर्य जो है पुरुष जात क्या है, पुरुष क्षत्रिय वंश, पुरुष जो है पुरुष है, पर मेल है कि फीमेल है, तो ये क्या है, मेल है, पुरुष है। और क्षत्रिय, ये जो है क्षत्रिय जाति, पाप ग्रह है, शतोगुण है, प्रधान है, अग्नि तत्व है, पित्त प्रकृति है, तथा विशेष रूप से जो है ये पित्त हड्डी, पिता सिर नेत्र दिमाग और हृदय पर अपना प्रभाव रखता है। जो मनुष्य के हमारे जो काल पुरुष, ये पूरी शरीर है, इस पर क्या क्या इसका प्रभाव होता है, कहाँ कहाँ इसका प्रभाव है, तो आप लोगों को मैंने बताया कि पित्त पे, हड्डी पर, पिता पर, सिर पर, नेत्र पर, दिमाग पर, हृदय पर, ये अपना प्रभाव रखता है। सूर्य मस्तिष्क का स्वामी होता है। दूसरा मैं ग्रह को बतला रहा हूँ, वो चंद्र ग्रह है। चंद्र ग्रह क्या है, फीमेल है, स्त्री, स्त्री सूचक, और ये भी क्षत्रिय, सौम्य है, शतोगुण है, जल तत्व है, और ये जो तत्व क्या है, इसका जल है, जल तत्व है, बात कफ प्रकृति है, और जो है इसका प्रभाव का छाती, थूक, जल, फेफड़े तथा नेत्र ज्योति पर अपना प्रभाव रखता है। चंद्रमा जो है, चंद्र का प्रभाव विशेष है, स्त्रियों पर काफी पड़ता है, स्त्री जो स्त्रोग होती है काफी इसका प्रभाव रखता है। चंद्रमा मन का स्वामी, चंद्रमा कैसा है, मन का स्वामी, चंचलता इसके अंदर। तीसरा आपको जो है मंगल, मंगल ग्रह जो है ये पुरुष है, क्षत्रिय है, और पाप, पापी है, पाप से तमोगुणी है, तामसिक वृत्ति का, अग्नि तत्व है, पित्त प्रकृति है, और रक्त पर इसका काफी जो है प्रभाव रहता है, रक्त, रक्त कारक ग्रह, मांसपेशियों पर इसका प्रभाव रहता है, जितने ऑपरेशन होते हैं मैक्सिमम काफी जो है इसका जो है मंगल का प्रभाव सोचता है। कान नाक आग का ये क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, कान का नाक का ये क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, जो भी रोग होते हैं इसके कारण मैक्सिमम होते हैं, आपको बता रहा हूं। तो ये रक्त का जो है प्रति, रक्त का प्रतिनिधित्व करता है विशेषता जो है ये मंगल, रक्त कारक रोग की उत्पत्ति करता है। चौथा आप लोगों को बता रहा हूं बुध का, बुध ग्रह जो है क्या है, ये क्या है, नपुंसक, ये क्या है, नपुंसक, वैश्य जाति है, समग्रह है, रजोगुणी है, पृथ्वी तत्व है, और त्रिदोष कारक, त्रिदोष मैंने क्या है, बात पित्त और कफ, तीन आपके, तो बात पित्त कफ तीन है, ये तीनों जो है क्या है, त्रिदोष जिसको कहा जाता है। तो वायु रोग, जीभ, तालु, श्वास, ये क्या है, श्वास, श्वास पे जो है गुप्त रोग, गुंगा, आलस्य और क्रोध, उपमा करते कौन, बुध, बुध ग्रह का है। तो बुध ग्रह के बाद जो है गुरु ग्रह पे बतलाओ कि गुरु क्या, तो गुरु भी पुरुष है, और ये क्या है, ब्राह्मण है, जात से क्या है, ब्राह्मण है, सौम्य है, शतोगुणी है, आकाश तत्व से, वह कफ प्रकृति का है, चर्बी और कफ और सूजन
और इसका काफी प्रभाव पड़ता है। जान लीजिए, विद्या, पुत्र, पौत्र, विवाह वो गुरुदेव का प्रतिनिधित्व करता है शरीर पर जो। अब नेक्स्ट आप लोग मुझे शुक्र का मैं बतला रहा हूं। शुक्र का स्त्री, स्त्री जो है इसका है ब्राह्मण जो जाती है, सम है, रजोगुणी है, जल तप का इसकी कब प्रकृति है, और वीर काम शक्ति, वैवाहिक सुख, काम विगान शक्ति, आग स्त्री का जो है ये प्रतिनिधित्व करता है। अब जो है नेक्स्ट इसके शुक्र के बाद जो है शनि का मैं बता रहा हूं। शनि क्या है, नपुंसक ग्रह है। शनि क्या है, नपुंसक। अभी इससे पहले मैंने बुध को बताया नपुंसक, अब जो शनि को सुन ले नपुंसक ग्रह है। शूद्र वर्ण है इसका, पापी है, पाप से रहित है, तमोगुणी बात कप और जो है प्रकृति वो वायुमंडल प्रधान है। ये आयु और शरीर बल, योगाभ्यास, ऐश्वर्य, वैराग्य, नौकरी, हृदय रोग आदि का ये प्रतिनिधित्व करता है। इसके कारण बहुत सारी चीज जो है इसका, तो मैंने बताया ये शनि ग्रह का। अब जो राहु और केतु, राहु केतु दोनों का एक ही है। अरे ये क्या, राहु जो है आपका ऊपर का से राहु और बाकी धड़ उसका जो है केतु है। तो ये राहु तो पाप ग्रह, पाप ग्रह जो है राहु और केतु क्या है, तो देखिए पाप और ग्रह, ये क्या पाप ग्रह है, चंडाल है, तमोगुणी है, बात पित्त प्रकृति व नपुंसक है, चर्म रोग, पैर, भूख, उन्नत में बाधा के प्रतिनिधित्व करता है। बाधा बन के जो भी कार्य आप करने जाएंगे उसमें बाधा खड़ा कर देगा। जन्म कुंडली में जो ग्रह कमजोर हो उसके स्वभाव के अनुसार ही रोग या संबंधित व्यक्तियों की हानि की संभावना रहती है। ये स्थिति मैं आप लोगों को नौ ग्रहों का मैंने बतला दिया, जो हमारे दर्शक हैं दिव्य ज्योति चैनल के, उनको जो है मैं बाबा विश्वनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ स्वपरिवार स्वास्थ्य सुख समृद्धि शांति प्रदान करें। और जो हमारे दर्शक हैं उन लोगों से निवेदन करता हूँ कि मेरे दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और एक बार मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव।